पूरे मुल्क को, पूरे मुसलमान भाइयों को, पूरी आर्मी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। कुर्बानी ईद है, ये पहली बार नहीं, दूसरी बार है। तो सीज़ फायर के बाद पहली रमज़ान की ईद थी, तब भी मिठाई एक्सचेंज हुई, आज भी एक्सचेंज हुई। अच्छा शुक्र हम मानते हैं, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। और ईद से ज़्यादा हमें सीज़ फायर की खुशी है, क्योंकि पहले गन गरज में हम रहते थे, उस चीज़ से अब हम बाहर आ चुके हैं। बड़ी खुशी का दिन है हमारे लिए। दोनों मुल्कों के दरमियान अभी मिठाई एक्सचेंज होने जा रही है, तो ये एक अच्छा शुगन है, हम इसको वेलकम करते हैं। और साथ ही हम दिल्ली और इस्लामाबाद को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये चीज़ जो है मिठाई तक ही महदूद नहीं रहनी चाहिए, ये दोनों मुल्कों का प्यार हमेशा के लिए कायम रहना चाहिए। हमारे ये जो इसी ईद के साथ साथ मिठाई एक्सचेंज के साथ साथ हमारे जो क्रॉसिंग पॉइंट बंद पड़े हैं, जैसे कमान है, टीटवाल है, चिकंदाबाद है, 5 क्रॉसिंग पॉइंट है, तो ये भी खुलने चाहिए, लोगों का आना जाना रहना चाहिए। मिठाई के साथ साथ जब लोगों का आना जाना होगा, और प्यार बढ़ेगा और मोहब्बत बढ़ेगी। जी मैसेज इस तरह का है कि आपको पता है शादी का दिन कैसा और मातम का दिन कैसा। जब यहाँ पर सीज़ फायर नहीं हुआ था तो हर दिन हर फौजी, हर ज़मींदार, हर वासी देश का सुबह से शाम तक परेशान रहा। सीज़ फायर के बाद अमन से सोते हैं, अमन से उठते हैं, अपनी ज़िंदगी का सफ़र आगाज़ करते हैं। तो अमन जो है ये एक ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन पैगाम है। तो मेरी गुजारिश है कि दोनों मुल्कों से, कि मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि लड़ाई झगड़ा करके दो भाई लड़ के फिर भी आकर घर में बैठकर उनका जो झगड़ा होता है वो तय होता है। जिस बात पर झगड़ा है इस बात को मद्देनज़र रख के आकर टेबल पर बात करें, क्योंकि खून खराबे से कोई मसला हल नहीं। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त का जो दिन है, इस वक्त हमारी फ़ौज, उनकी फ़ौज आमने सामने खुशी से घूमती है, और इस वक्त ये अपने तोहफा मिठाई दे रहे हैं उन भाइयों को, वो भाई भी हमें देंगे, शायद ये उम्मीद है कि हमारा वो भी करेंगे, इस पर रिस्पेक्ट करेंगे। तो मैं गुजारिश करता हूँ फिर दोबारा कि खुदा ऐसे दिन लाता रहे, और ज़िंदगी में ऐसा दिन ना लाए जो आप लोग बचे हैं मेरे सामने, जो 98 जून के महीने मुझे याद नहीं है, जो टंगडार पे बीती थी, जिसमें हमारे 65 आदमी मरे थे, ऐसा दिन। क्या आप मुल्क या बैरून मुल्क के नामवार कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में MBBS, BUMS, BDS, पैरामेडिकल, फार्मेसी, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट, कंप्यूटर और दीगर कई सारे कोर्सेज में दाखिला चाहते हैं? क्या आप जराए ना होने को अपने मुस्तकबिल में रुकावट नहीं बनाना चाहते और अपने आइंदा की जिंदगी को ताबनाक बनाने का अजम किए हुए हैं? तो आइए अथवास कंसल्टेंट्स, मुफ्त मशवरे और काउंसलिंग, स्कॉलरशिप और फीस में रियायत के लिए हम आपकी हर मुमकिन मदद के लिए हर वक्त हाजिर हैं। राब्ते के लिए हमारे फोन नंबर हैं 9906165030195479660 1। अथवास कंसल्टेंट्स, अथवास करो परवास करो।